राजस्थान के जालोर जिले के रामसिंह थाना इलाके के मांडोली गांव में एक किराना व्यवसायी गणपत सिंह की हत्या का अभी तक राजपाट नहीं हो सका है। ग्रामीणों में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। एक बड़े विरोध प्रदर्शन के बाद पुलिस को दी गई चेतावनी और टाइमलाइन पर भी कार्रवाई नहीं होने पर अब ग्रामीणों ने 15 अक्टूबर को उग्र प्रदर्शन की चेतावनी दी है और कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पे जालोर सिरोही के लोग इस हत्याकांड की जांच और उसमें कार्रवाई से नाखुशी का इजहार से करते हुए धरना प्रदर्शन करेंगे। ऐसा माना जा रहा है कि यहाँ पे जालोर और सिरोही के बड़ी संख्या में लोग एकत्र होंगे। इसको लेके जालोर के पुलिस अधीक्षक भी पहुंचे हैं। क्या कुछ कहा है पुलिस अधीक्षक ने, आइए जानते हैं। अलग अलग टीमों का गठन करके काफ़ी साक्ष्य एकत्रित किए हैं और जो भी संदिग्ध लोग हैं, जो संदिग्ध जिनकी हमें इन्वेस्टिगेशन के दौरान तथ्य सामने हैं, उनसे पूछताछ भी की है, लेकिन अभी तक किसी तरह का कोई जो मृत्यु के हत्या के कारणों के बारे में है उस तक हम पहुंच नहीं पाए और टीमें काम कर रही हैं और हमें काफ़ी जो टेक्निकल एविडेंस है उसका हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं और प्रयास है कि इसमें जल्दी खुलासा करेंगे। 15 तारीख को राजपूत समाज, करणी सेना एवं अन्य 36 कौम का जालोर जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन की भी योजना है। सर, पुलिस की अभी तक जो भूमिका रही उसके ऊपर भी कई लोग भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, सामाजिक संगठन भी प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं, क्योंकि 1.5 महीना एक पर्याप्त समय होता है, उस दरमियान पुलिस के हाथ खाली रहते हैं, इस विषय में थोड़ा। नहीं, ये तो देखो, ये उनको तो मुझे पता है कि जो पुलिस की जो टीम है उसने कितनी मेहनत की है। FSL टीम है, जयपुर से टेक्निकल टीम है, उसके जो मोबाइल नंबर में उसने डाटा डिलीट कर दिया उसको रिट्रीव करवाने वाली है। कम से कम हमारे सैकड़ों फोन्स जो हमारे यहाँ जो चले उनको एनालिसिस करना है, कुछ सैकड़ों लोगों से हमने पूछताछ की है। वो हम उनका लग रहा होगा उनको पुलिस काम नहीं करी, लेकिन मुझे तो आगे उन्होंने कहा साहब पुलिस मेहनत तो अच्छी करी लेकिन हमारा केस खुला नहीं। अभी मेरे पास आए हैं लोग सब, मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन अभी केस नहीं खुला। तो ये अज्ञात हत्यारों द्वारा और सुनसान में रात्रि के समय में और बहुत ही, मैं कहूँगा कि उसका जानकार आदमी जो विश्वास में लेके गए हैं, जो इसका घटना को कारित किया है, वो बहुत ही नज़दीकी और उसका जानकार आदमी है जो उनको बुलाया है, बुला के वहाँ पर ले जाके उसका हत्या की है। तो जब नज़दीकी लोग सारी चीज़ों को वॉच करते हैं तो काफ़ी सारी दिक्कतें आती हैं पुलिस को।